हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे अम्मा की एक और रमदान की रेसिपी, हैदराबादी चना दाल, जो हैदराबाद में इफ्तार के टाइम बहुत फेमस है। तो सबसे पहले 200 ग्राम चने की दाल को एक बोल में निकाल लेंगे। फिर उसमें इनफ पानी ऐड कर देंगे ताकि सारी दाल कवर हो जाए। अब दाल को 2 से 3 बार अच्छा वॉश कर लेंगे, इससे पूरे केमिकल्स और गंदगी निकल जाती। इतना वॉश करना कि पानी ऐड करे तो दाल ऐसा क्लियर दिखना। अब इसको 3 घंटे भिगने छोड़ देंगे। ये देखिए, 3 घंटे बाद कितनी खिली खिली हो गई दाल ऑलरेडी, अब आसानी से गल जाती। अब एक भगोने में दाल को निकाल लेंगे। अब इसमें अपन पानी ऐड कर देंगे। पानी का लेवल दाल से 1 इंच ऊपर रहा तो बस है। अब मीडियम हीट पे इसको 20 से 30 मिनट पकने छोड़ देंगे। अगर ऐसा झाग जमा हो गया तो एक स्पून लेके उसको निकाल लीजिए बाहर, वरना उबल के पूरा चूल्हे को खराब कर देता। बीच में एक बार चेक कर लेंगे अभी नई गली दाल, क्योंकि सेंटर में देखिए आप, अभी भी थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा, तो थोड़ी देर और पकाना है दाल को अपने को। थोड़ी देर बाद फिर से चेक कर लेंगे। हाँ, अब गल गई दाल। ये देखिए, मैं आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ। इस दाल को ज़्यादा भी नहीं पकाना है अपने को, वरना पूरी पिचक जाती और फिर वो टेस्ट नहीं आता। अब इसको छान लेंगे अपन। अब एक बोल में निकाल के उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, 3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर और 1/2 नींबू का रस। आप होना तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे ताकि दाल के एक एक दाने में पूरा फ्लेवर आ जाना। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी खिली खिली लग रही दाल, परफेक्टली कुक्ड, एक एक दाना अलग अलग है। इस दाल को आप अलग से एंजॉय कर सकते, लेकिन मेरी माने तो हैदराबादी फ्रूट चाट के साथ मिला के खाइए। अब आबा कौन से की लेवल पे चले जाता मसला, यकीन करिए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। फ्रूट चाट की रेसिपी की लिंक मैं इधर वीडियो के कोने में शेयर कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। चलो आ करो। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।